आप लोग ये बहुत अच्छा बेहतरीन वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी है, बहुत यूजफुल भी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर शायद आपके अंदर जो नेगेटिव बातें भरी हुई है ना कि अपना खुद का कुछ काम करने से पहले जो बहुत सारी चीजें आपको रोकती हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा कि यूट्यूब चैनल अगर आपका है या आप अपना चैनल बनाने की सोच रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी बनाइए, बहुत अच्छा सोच रहे हो। और कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, देखो इसका लाइफ के अंदर कुछ भी यार अचीव करने के लिए शॉर्टकट कुछ भी नहीं है भाई। सब जगह लोगों की बातें आती हैं, कोई अच्छे कमेंट करता है, कोई बुरे कमेंट करता है, सब जगह पर प्रॉब्लम्स आती हैं। हर चीज में एक अच्छा फेस भी आता है, बुरा फेस भी आता है, लेकिन आज के टाइम पर अगर इस समय पर मैं समझता हूँ इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि उसमें भी अगर आप अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है ये किसी और का नहीं, बस ये खाली आपका फॉल्ट हो सकता है। फोन आज के टाइम पर सब पर है तो आप ये नहीं कह सकते मेरे पास फोन नहीं है, आपके डीएसएलआर कैमरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आजकल के फोन में तो कैमरे क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है यार, मैं खुद अपना वीडियो कैमरे से शूट करता हूँ, फोन से शूट करता हूँ, कैमरा लेने की सोच रहा था बट अभी अपना कैमरे से ही फोन का जो कैमरा था उससे ही सही बन जाता है। ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आती पर आगे चल के ले लेंगे, काम से प्यार होना चाहिए यार, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो आपके अंदर कुछ भी स्किल है, आपको जो आपको कंफर्ट लगता है बस उसको आपको क्या करना है, लोगों के साथ में शेयर अप करना है यार। हर किसी इंसान को, हर किसी इंसान की जरूरत है, हम किसी भी तरह की नॉलेज को अपने अंदर रख के घूमते रहेंगे उसका कुछ फायदा नहीं निकलने का जब तक कि वो नॉलेज किसी के काम ना है। आपकी कुकिंग अच्छी है, आपकी पेंटिंग अच्छी है, आप बात अच्छी करते हो, आप जोक्स अच्छे सुना लेते हो, या मान लो किसी को हंसा लेते हो, या कुछ आपको हेल्थ से ट्रेनिंग दे सकते हो, कुछ भी, क्योंकि आज मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारी किताबें पढ़ो या कुछ और ऐसा ज्ञान दो, जो भी आपको मजा आता है जिसमें आप अच्छे हो उसको बस कैमरा उठाओ, ऑन करो और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दो। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं बनाया तो अपना चैनल जरूर बनाओ, क्योंकि आज के टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए आप, मैं हूं या आप लोग हो, मैंने भी बहुत सारी जॉब्स करी हैं और अभी भी मेरी क्लासेस देता हूं, नया चैनल पर दोबारा मैंने काम करना शुरू करा है, 1.5 साल पहले भी बनाता था, अब रेगुलर बना रहा हूं, तो मैं टाइम निकालता हूं वीडियोस के लिए, जैसे शॉर्ट्स होते हैं तो डांस वगैरह के कभी अपलोड कर दिए, अभी नया चैनल है मुझे अपने सब्सक्राइबर गेन करने हैं, लेकिन जब लॉन्ग वीडियो बनाने का टाइम आता है तो उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, एडिटिंग में टाइम जाता है तो टाइम तो लगता है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे आप रोज निकालो और उसमें आप शुरू में झिझक खाती है मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं, तो कोई बात नहीं है, फोन अपना ही है, कौन सा किराए का है, 2-4 बार बोलो उसको, देखो अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है उसको दोबारा से आप डिलीट कर दो, फिर कुछ बोलो, छोटे छोटे पहले वीडियोस बनाओ 15 सेकंड 20 सेकंड का, अपना एक सबसे पहले आपको चैनल बनाना है यूट्यूब। मैं समझता हूं आपको यूट्यूब चैनल बनाना आता होगा, अगर आपको नहीं आता मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको पूरा उसका डिटेलिंग गाइड बता दूंगा, जिस तरह से मैंने अपना बनाया है उस तरह से आपको आराम से अपने फोन से आप बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बोलना शुरू करो, रिकॉर्ड करो, 1 से 1.5 मिनट का या 2 मिनट का वीडियोस बनाओ, फिर देखो आप उस पर किस तरह से पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है, लोगों को किस तरह से पसंद आ रहे हैं। कुछ शुरू में व्यूज सबके कम आते हैं, मेरे तो अभी भी व्यूज कम आ रहे हैं, पर रेगुलर किसी भी काम को करना, कंसिस्टेंसी हमेशा आपको आगे लेकर जाती है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लंबे लंबे गैप दे लो, फिर कुछ कर लो तो मजा नहीं आता है, आप उस काम को लगातार करते जाओगे तो एक ना एक दिन आप उस चीज में ऑटोमेटिक आप परफेक्ट होते ही चले जाओगे। तो देखो अगर हम किसी की जॉब करते हैं या आप किसी की नौकरी कर भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 8 घंटे की जॉब होती है, जब भी आप घर आते हो टाइम मिलता है फोन उठाइए, आप अपनी छत पर पार्क में कमरे में अगर आपको कुछ बोलना है, लोगों को कुछ कन्वेंस करना है, थोड़ा मोटिवेट करना है, अपने थॉट शेयर करने हैं अपने रूम में बना सकते हो, ब्लॉगिंग करनी है बाहर जाके बना सकते हो, लोगों को कोई मार्केट दिखा सकते हो अपना, कोई मॉल में शॉपिंग करने जाते हो बस आपको आज देखो फ्रेंड में ये शॉपिंग करने के लिए आया हूं यहाँ पे, देखो कितनी अच्छी ऐसी चीजें देखना बड़ा मजा आता है, ब्लॉग में भी बनाता रहता हूं तो ब्लॉगिंग के वीडियोस आप बना सकते हो। तो कुछ मिलाकर कुल मिलाकर बात ये है कि आपको अपने अंदर के थॉट्स हैं वो समझो, कैमरा आपका दोस्त है यार, आप बोलो, ऐसा नहीं है दुनिया में हर इंसान बुरा है, दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, अगर आप दिल से बात करोगे तो वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे यार, लोग प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है हर इंसान हमारी बुराई करेगा या हर इंसान हमें क्रिटिसाइज करेगा, ऐसा नहीं है, आपके अंदर जो दिल से जो फील्स निकलता है ना उसके कनेक्शन लोगों के दिलों से जुड़ते हैं भाई, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं, बस हमारा एकदम फेयर हार्ट होना चाहिए, जो भी करना है दिल से करना चाहिए, फेकनेस नहीं होनी चाहिए, आपका काम धीरे धीरे आपको इंप्रूव करता चला जाएगा। अगर आप किसी की जॉब कर रहे हो 10 से 12 घंटे हम किसी का काम करते हैं, हम उसमें एक लिमिटेड अमाउंट कमाते हैं, लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आपने शुरू में 1-2 साल अगर मेहनत कर ली तो समझ लो आगे जाकर जो जॉब अभी कर रहे हो ना उससे जो अमाउंट मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट आप कमा सकते हो बॉस, तो समझो बात को मेरे यार, स्टार्टिंग में बनाओ चैनल,
कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो, आप हाउस वाइफ हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कुछ कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, उनको कुछ सजेस्ट कर रहे हो, जो हम सब फ्री में भी करते रहते हैं एडवाइस। आज के टाइम हर इंडिया में दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी को एडवाइस देता रहता है, तो उसको अच्छा आप कैमरे के सामने दो। अगर आपको कैमरा फेस करना नहीं आता है तो मेरा एक उसको ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हो, हाउ टू फेस कैमरा, जिसमें मैंने कुछ टिप्स बताए हैं कि आप कैमरे के सामने कैसे बोल सकते हो। अगर अब भी आपको झिझक आती है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए वीडियो दोबारा अपलोड करूंगा, कुछ और नई टेक्निक्स लाऊंगा। मुझे भी पहले होता था लेकिन अब दिक्कत नहीं आती। आप सोचो मत ही ना, कैमरा है, आप सोचो आपका फ्रेंड है, जो थॉट्स आ रहे हैं बस आप बोलते जाओ, रिकॉर्ड करो, चैनल बनाओ, उसको अपलोड करो, धीरे धीरे आपका चैनल, आपके चैनल को रीच मिलेगा, आपका चैनल बूस्टअप होगा, और उसके बाद हो सकता है आपका चैनल जो आपने छोटे से लेवल से स्टार्ट करा था वो कुछ टाइम बाद एक बड़ा ब्रांड बन जाए, और उसके थ्रू आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो भी कर रहे हो उसको छोड़ो या पूरा दिन फोन पे लगे रहो, ना, टाइम मैनेजमेंट करो। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा टाइम निकालो, अपना एक वीडियोस बनाओ, उसे अपलोड कर दो, क्योंकि आज के टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आज भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत सी किसी और भी हमारी अपनी गलती है। आप ये मत सोचो आपका वीडियोस कैसा बनना है, कौन देख रहा है, व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। शुरू में आपका बस एक रूटीन बनाओ कि मुझे हर रोज एक वीडियो या दो दिन में एक बार, या जैसा भी आपकी वीडियो की लेंथ है, छोटा बना रहे हो तो एक वीडियो डाल दिया, हफ्ते में दो डाल दिया, तीन डाल दिया, ऐसे आपको डालना है। एक साल दो साल मुझे मेहनत करनी है, वो तो देखो टाइम तो वैसे भी चलता ही जाएगा ना, अगर आप नहीं करोगे तब भी एक साल दो साल दस साल जितनी भी एज आदमी निकलती जाएगी, उससे अच्छा है एक से डेढ़ घंटा मेहनत करके देखो, पांच से छह महीने के अंदर आपको, शुरू में आपको दो से तीन महीने के अंदर ही रेस्पॉन्स पता चल जाएगा, और नहीं भी आ रहा रेस्पॉन्स तो थोड़ा सा अपने आपको इंप्रूव करना। कितने लोग आज गांव के अंदर और शहरों के अंदर कितना ज्यादा आज अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो लोग जो आज मुझे समझता हूँ किसी के सामने इंटरव्यू के लिए तो लाइन नहीं बोल पाते, वो आज कैमरे के सामने बोलकर यूट्यूब से बोलकर अपनी लाइफ को उन्होंने कितना इंप्रूव करा है। तो टेक्नोलॉजी यार, फोन पे वैसे इतना टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग, तो सच्चा है क्योंकि एक बार ट्राई करके तो देखा जाए। चैनल बनाइए जो आप बढ़िया लगता है, जिसमें आपको बोलने मजा आता है वो बोलिए, जितना हो सकेगा मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। यार मेरा भी नया चैनल है, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। पता नहीं मेरे वीडियो पे तो क्या हो गया है, स्टार्टिंग में व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, बट मुझे पता है जो बात मैं भी खुद बोल रहा था, मुझे व्यूज की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो अच्छी बात है, भाई मुझे ध्यान देना अपने काम की तरफ। तो जब भी टाइम निकलता है वीडियोस बनाना, कभी ब्लॉगिंग, कभी कोई नॉलेजबल वीडियो, जैसा कि ये मेरा मन कर रहा था मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो मैंने आपको करा, तो मेरी गुड विशेस है, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज अपना चैनल बनाइए, अपनी लाइफ के ग्रो करिए, बढ़िया करिए, अच्छा सोचिए और हेल्दी रहिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लेना, बस आपके लाइक करने से थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, चलो इतना बोला सामने वालों को अच्छा लगा, नहीं भी लाइक करा इट्स ओके। मिलेंगे अच्छे से एक नए ब्लॉग के साथ या एक नए यूजफुल नॉलेज के साथ, टिल देन स्टे फिट एंड बी हैप्पी, बाय बाय एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइस, बाय बाय।